हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास प्लस वन है और मैंने आपको कल वीडियो में द वे ऑफ पोएट्री है जो वो पोईम हमने एक्सप्लेन की थी, तो आज मैं उसका आपको समरी करवाने जा रही हूँ। द पोएट हैज़ अ विज़न। पोएट को एक विज़न आता है। ही अपीयर्स इन दैट ड्रीम ऑफ ए पेपर। उसको एक पैम्पर का ड्रीम आता है कि वो एक पीपर है, सॉरी पैम्पर नहीं, पीपर है। पीपर मतलब वो एक बंसुरी वाला है। ही इज़ पीपिंग सॉन्ग्स ऑफ जॉयस। वो एक बंसुरी बजा रहा है एक गाने की वजह से। ही सीज अ चाइल्ड ऑन द क्लाउड। वो एक बच्चे को बादलों में देखता है। द चाइल्ड इज़ अ सिंबल ऑफ क्रिस्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ पोएट्री। वो चाइल्ड है जो सिंबल है, या तो वो क्रिस्ट का है या फिर वो स्पिरिट ऑफ पोएट्री का सिंबल है। द चाइल्ड फील्स हैप्पी ऑन हियरिंग द पेपर्स म्यूजिक। चाइल्ड बहुत खुश होता है पेपर का म्यूजिक सुन के। ही आस्क द पेपर टू पिप अ सॉन्ग अबाउट ए लैम्प। वो कहता है पेपर को कि मुझे बांसुरी पे तुम लैम्प का सॉन्ग सुनाओ। द लैम्प इज़ अ सिंबल ऑफ, लैम्प किसका सिंबल है, इनोसेंट जॉय ऑफ चाइल्डहुड। जो एक बचपन में मासूमियत होती है उसका एक सिंबल है। सो द पीपर प्लेड अ वेरी जॉयफुल टोन। तो पीपर जो होता है वो एक बहुत ही अच्छी धुन बजाता है। द चाइल्ड लाइक दिस वेरी मच। चाइल्ड को ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। ही आस्क द पीपर टू पिप दैट सॉन्ग अगेन। वो उसको कहता है कि वो उसको फिर से सुनाए। When the पीपर was playing this tune, जब पीपर जो इस टोन को बजा रहा होता है, द चाइल्ड वेप टू हियर इट। तो चाइल्ड है वो उसको सुन के रोने लगता है। Now the child asks the पीपर to lay aside his pipe। वो फिर बच्चा कहता है पीपर को कि तुम अपनी बांसुरी है जो वो साइड में रख दो। He wanted the पीपर to sing him song wisely। वो कहता है कि टोन से नहीं, तुम अपने मुँह से मुझे गाना सुनाओ। द पीपर सॉन्ग गेव द चाइल्ड इमेंस जॉय। जो पीपर का सॉन्ग होता है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशी देता है। ही आस्कर द पीपर टू राइट हीज सॉन्ग इन अ बुक। वो कहता है कि तुम इस सॉन्ग को एक बुक पे लिखो। सो दैट ऑल चिल्ड्रन कुड रीड एंड इन्जॉय, ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सके और इन्जॉय कर सके। After this the child vanished from the paper's view। ये कह के वो जो बच्चा होता है वहाँ से गायब हो जाता है। The पोइट्स विज़न ब्रोकन जस्ट दैन। और उसके बाद ही पोइट का जो विज़न होता है वो टूट जाता है। नाउ द पोइट प्लक्ड अ रेड। वो एक रेड को तोड़ता है। एंड ही मेड अ पेन फ्रॉम इट। उसे एक पेन बनाता है। ही टुक सम इंक इन एंड नॉट ऑलवेज टू राइट हीज एंड सैट डाउन टू राइट हीज हैप्पी सॉन्ग्स। और उसको और इंक बना के उसमें डाल के वो उसको लिखने बैठ जाता है। He wrote down his song in a book। वो उसको उस सॉन्ग को बुक में लिखता है। सो दैट एवरी चाइल्ड मे बी हैप्पी टू हेयर दैम, ताकि वो हर बच्चा इसको सुन के जो है खुश हो सके। तो ये थी इसकी समरी। नेक्स्ट बेटा इसका सेंट्रल आइडिया है। द पोईम इज़ अबाउट द पोइट्स मिशन एज ए पोइट। ये जो पोईम है वो एक मिशन है किसका, पोइट का एज ए पोइट। ही सेज दैट द ग्रेन ऑफ पोइट्री केम टू हिम एज ए डिवाइन इंस्पिरेशन। वो कहता है कि पोइट्री जो होती है वो हमारे अंदर से इंस्पायर होके आती है। ही वॉन्ट्स टू यूज़ दिस गिफ्ट फॉर द जॉय ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। वो चाहता है कि ये जो गिफ्ट है जॉय का वो इनोसेंट बच्चों से मिले। ही वॉन्ट्स टू राइट रिदम्स अबाउट चिल्ड्रन एंड फॉर चिल्ड्रन। वो राइम्स हैं जो ये जो राइम्स है गाने के वो बच्चों के लिए लिखना चाहता है। ही विल राइट हिज पोइम्स इन अ बुक। वो अपनी बुक को अपनी पोइम को बुक में लिखेगा। सो दैट ऑल चिल्ड्रन में रीड एंड इन्जॉय दैम, तो ताकि बच्चे उसको पढ़ सके और इन्जॉय कर सके। ठीक है बेटा, ये आपकी पोइम का सेंट्रल आइडिया और समरी थी। उम्मीद है आपको सारी पोइम क्लियर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे सेकंड जो आपकी पोइम है वो करेंगे हम। तब तक आप इस पोइम को अच्छे से समझ लो। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।